नमस्कार दोस्तों, हकिन क्रेज सॉफ्टटेक की कॉन्सेप्ट क्लियरिंग अप्रोच में मैं जी कृष्णा चौहान आपका स्वागत करता हूं। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है इफ स्टेटमेंट और उसकी एक्सप्लेनेशन। तो किस तरह से हम इस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं अपने सी प्रोग्राम में, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं इफ स्टेटमेंट होता क्या है। तो इफ स्टेटमेंट एक आपका सिंगल स्टेटमेंट है जो कि हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं, और ये कंडीशन को चेक करता है और कंडीशन ट्रू होने पर कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। सो गाइस, अब बात करते हैं हम सिंटैक्स की। सिंटैक्स मीन एक ऐसा टेक्स्ट जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि किस तरह से पर्टिकुलर आपका ये स्टेटमेंट आपके प्रोग्राम में यूज़ होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इफ़ एक्सप्रेशन या फिर कंडीशन, यानी कि स्टेटमेंट में आप सबसे पहले लिखेंगे इफ और उसके बाद यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आपका कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, यानी कि इन ब्रेसेस के अंदर जो भी आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है, चाहे वो कुछ प्रिंट करा रहे हैं, एडिशन करा रहे हैं, कुछ भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, वो कंडीशन के ट्रू होने पर ही रन होगा, ट्रू होने पर ही वो कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो ये था हमारा इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स। और अगर हम बात करते हैं फ्लो चार्ट की, तो फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट एक्सप्रेशन। टेक्स्ट एक्सप्रेशन दैट मीन वो उस एक्सप्रेशन को वो टेस्ट कर रहा है कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो इफ की बॉडी में जाएगा। तो गाइज, अगर हमारी कंडीशन होती है फॉल्स तो वो इस पूरे कोड ब्लॉक को टर्मिनेट कर देगा और नेक्स्ट कोड ब्लॉक या फिर आपका प्रोग्राम अगर बंद हो रहा है तो गेट सी एच पर पहुंच जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक छोटे से प्रोग्राम एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h। दोनों हेडर फाइल का हम यूज़ कर रहे हैं जिससे कि हम यूज़र से इनपुट ले सकें और डिस्प्ले करा सकें अपने आउटपुट को, ठीक है। तो हेडर फाइल लगाने के बाद मैंने मेन फंक्शन अप्लाई किया। मेन फंक्शन लगाने के बाद एक लोकल वेरिएबल बनाया है और उसके बाद कंडीशन अप्लाई करिए इफ़। मैंने यहाँ पर दे दिया है इफ़ ए इज लेस देन 18। तो अगर हमारा ए 18 से छोटा है तो यूज़र जो भी है वो वोट नहीं कर सकता, यूज़र कांट वोट। और बस यही हमारा प्रोग्राम है छोटा सा इफ़ का। तो इसमें हमने क्या किया है, गेट सी एच लगा देता हूँ, इस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता हूँ। तो बेसिकली हमने इसमें यह काम किया है कि जो भी यूज़र की एज है उसको हम ए में स्टोर करा रहे हैं और उसके बाद उसकी एज को कंपेयर करा रहे हैं 18 से। तो अब यूज़र वोट उस कंडीशन में कर सकता है जिस कंडीशन में हमारा उसकी एज हो 18 से ज़्यादा। बट हम यहाँ पर बस एक चीज़ वेरीफाई कर रहे हैं कि यूज़र वोट करने की कंडीशन में है या नहीं। तो इसमें बस इफ़ कंडीशन चल रही है और वो बता रहा है यूज़र कांट वोट, ठीक है। तो इसको कंपाइल और रन करके मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। तो देखिए कंपाइलेशन एरर 0 है। तो अब इसमें रन करता हूँ, देखिए लिखा रहा है यूज़र कांट वोट, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इसकी एज को बढ़ा देता हूँ, जैसे यहाँ पर 9 है, अगर मैं 19 कर देता हूँ, 19 करने के बाद अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए ब्लैंक डिस्प्ले कर रहा है। दैट मीन यूज़र कांट वोट वाले ये पर्टिकुलर जो भी आपका ये कोड ब्लॉक है ना, ये वाला प्रिंट एफ, इस कोड ब्लॉक से वो टर्मिनेट कर रहा है क्योंकि आपकी कंडीशंस यहाँ पर हो रही है फॉल्स। तो किस तरह से हम जो है यहाँ पर दो कंडीशंस लगा सकते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और आशा करता हूँ आपको ये प्रोग्राम समझ जरूर आया होगा जिसके थ्रू हम अपने इफ स्टेटमेंट को क्लियर कर रहे हैं। सो गाइज, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं जिससे उनके सी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट भी क्लियर हों। अगर आपने ये चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलें कि मैंने कुछ लैंग्वेज टाइप से अपडेट किया है या फिर कोई ट्रिक्स एंड टिप्स अपडेट किए हैं, कंप्यूटर की हैकिंग से रिलेटेड कुछ अपडेट किया है तो आपको वो सब कुछ मिल सके। तो उसके लिए आप कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो ये मैं था जी कृष्णा चौहान, हकीन क्रेज सॉफ्टटेक की ओर से। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।